हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th मैथ पेपर का सलूशन। जो आपके पेपर चल रहे हैं यहाँ पर, मासिक टेस्ट पेपर चल रहे हैं अगस्त माह में। 20 नंबर का ये पेपर है। टाइम दिया गया आपको 60 मिनट, यानी 1 घंटे का टाइम दिया गया है। तो इसमें आपको क्या है कि ये 4 तारीख को जमा करने हैं। कुछ इस विद्यालय में आपको लेट तक की डेट दी जा सकती है, पर यहाँ पर मोस्टली जो डेट दी गई है वो 4 तारीख की दी गई है, यानी 4 सितंबर को आपको जमा करना है इसका। यदि आप किसी पेपर का सोल्यूशन और चाहते हैं तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको 11th क्लास की फिजिक्स का पूर्ण सोल्यूशन दिया जाएगा। सितंबर से ये स्टार्ट हो रहा है आपका। यदि आप कमेंट करेंगे, यदि अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है मैम। इस पर बिल्कुल ईजी वे में आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा। यदि आपको समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन को ही पूछ सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग के बाद आप जो भी समझेंगे उसके बाद आप एंड में कमेंट कर सकते हैं कि ये हमारा पार्ट समझ में नहीं आया, तो आपको समझा दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, मेरा टाइम ख़राब किया। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर, और कंपटीशन का भी आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। कॉम्पिटिशन की बिल्कुल ईजी ईजी ट्रिक्स हैं फ्रेंड्स हमारे पास, तो उनको भी बहुत जल्द लाने वाले हैं। यानी आपको कब से, यानी 10 तारीख से आपको कॉम्पिटिशन की ट्रिक्स 100% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपके घर में जो भी आपके कंपटीशन पढ़ रहे हैं या फिर आपको पढ़ना चाहते हैं तो फ्री में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है मैम। तो यहाँ पर आप देखते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है हमारे। तो पहला हमारा ये दिया गया है, सही विकल्प चुनना है इसमें। कोई 4 करने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप केवल कॉपी में 4 ही लिखें। यहाँ पर हम पूरे बताएंगे आपको, जितने 4 ही दिए गए हैं तो 4 ही बताएंगे फ्रेंड, उसमें और क्या अलग से ला नहीं सकते कुछ। तो यहाँ पहला हमारा क्या दिया गया आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या दिया गया, किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय क्या है। तो इस समुच्चय से, यानी जो दी गई है आपकी लाइन, से कोई संतुष्टि नहीं है, मतलब ना कोई समझ में आ रहा है किस बारे में बात चल रही है, क्योंकि ना तो बुद्धिमान व्यक्ति बताया गया है और ना ही कोई इसमें ये बताया गया कि ये बुद्धिमान नहीं है। तो इसमें कोई परिभाषित नहीं है, ये सुपरिभाषित संज्ञा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। और ये दूसरा वाला, इसको हम जानते हैं कि ये पहला वाला होता है एक्स का मान, ये दूसरा वाला होता है वाई का मान। यानी जहाँ तक कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के पहले की संख्या को बोलते हैं एक्स, और ये दूसरा बोलते हैं वाई। मतलब जी इसकी स्थान वो होते हैं, क्या बोलते हैं, स्थानीय मतलब अपन बोलते हैं क्या, निर्देशांक, ठीक है। तो ये निर्देशांक होते हैं आपके, ये यहाँ पर निर्देशांक है हमारे, ये एक्स का निर्देशांक है और ये वाई का निर्देशांक है। और यहाँ पर ये 3 दिया गया है, वो एक्स का है और ये वाई का। यानी जब तक ये कॉमा लगा हुआ है तो कॉमे के पहले की संख्या जो दी गई है वो एक्स का है, कॉमा के बाद जो दी गई है वो वाई का है, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है एक्स का मान। तो एक्स का मान कौन से निर्देशांक में दिया गया है, एक्स की वैल्यू में। तो हम पहले वाली की तुलना करेंगे, यानी एक्स माइनस वन की तुलना यहाँ पहला वाला यहाँ लिया है तो पहला वाला यहाँ पर लेंगे। तो क्या दिया गया है, 3, ठीक है फ्रेंड। एक्स बराबर करेंगे तो एक्स बराबर करेंगे 3, और ये माइनस का था इस साइड गया तो कितना हो गया प्लस का, और यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 4। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4, ठीक है फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए, ठीक है फ्रेंड। यदि बाय का पूछते तो बाय का निकाल देते हम, बाय का कैसे निकाल देते, बाय -2 करते बराबर में 1 कर देते, बाय बराबर करते यहाँ से 1 माइनस, यहाँ पर 2 माइनस का तो प्लस का हो जाता और यहाँ जाके ये जुड़ जाते तो कितना आ जाता, 3, ठीक है फ्रेंड। लेकिन बाय का हमसे पूछा नहीं, एक्स का पूछा, तो एक्स का मान यहाँ पर निकल आया आपका। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछा गया है कि 10π/8 का मान बताइए। तो 10π/8 का मान आप कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको वैसे भी आप निकाल सकते हैं किस प्रकार से, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, या यदि आप फोर्स करेंगे तो कमेंट कर दीजिए फ्रेंड, तो मैं उसमें बता दूंगा आपको। लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इसका डी आंसर है। इसे आप थोड़ा समझ लीजिए कैसे करेंगे इसको, आप मान सकते हैं यहाँ पर 10π/4 का मान, इसका तो आप जानते ही जानते हो फ्रेंड इसको, तो आप इसे इस प्रकार से और लिख सकते हैं, इसे सही करके ऐसे लिख सकते हैं 10 2π/8, ठीक है फ्रेंड। ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब यानी ये कोष्टक में लिखा हुआ है फ्रेंड, इसे कोष्टक में लिख रहा हूँ 2 बाहर, ठीक है। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, फिर इसको आप कैसे कर सकते हैं 10 2, और इसकी पूरे को क्या मान सकते हैं अपन, 5/8 को x, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से आप ये बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान आप जानते हैं 10y, इसको इस प्रकार से दोनों बराबर कर सकते हैं। यहाँ से आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 10 2x का, तो आप इस प्रकार से कर लीजिएगा इसे। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। चौथे वाले का देखते हैं, चौथे वाले में क्या है आपका। तो चौथे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो हमारा जो 40 लिखा हुआ है आई की पावर, इसे आयोटा बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड, आयोटा बोलते हैं। तो इसे किस प्रकार से कहते हैं, यदि आयोटा की पावर, यानी आई की पावर 2 है,
तो इसका मान होता है माइनस का 1। ठीक है फ्रेंड, यदि आयोटा की पावर 4 है, आयोटा की पावर कितनी है 4, तो इसकी वैल्यू होती है प्लस। ठीक है फ्रेंड, इसकी वैल्यू क्या होती है प्लस, लेकिन हमें कितनी दी गई है 40, मतलब इसमें 10 का, इसमें क्या किया गया है 4 में 10 का गुणा किया गया है, तो इस पर भी आप कितनी कर देंगे पावर, पावर में गुणा किया गया तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसकी कितनी पावर हो जाएगी 10, यानी इसमें 10 का पावर का गुणा किया तो इसमें भी 10 कर दिया। एक की चाय कितनी भी घात लगा दीजिए तो प्लस का उत्तर आता है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ई, यानी एक। ठीक है फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं रिक्त स्थान, तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका डायरेक्ट आंसर दिया जाएगा सीधा आपको, तो इसका आप पहले का आंसर आप देख लीजिएगा फ्रेंड। इसका कुछ आपको कैसे करना है, यहाँ पर आप करेंगे 24, यानी 25 दिया गया है, यहाँ प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है कि एक्स का मान क्या लेना है, प्राकृतिक संख्या लेनी है। ठीक है फ्रेंड, तो प्राकृतिक संख्या लेंगे आप, तो प्राकृतिक संख्या रखनी है तो आप इतनी संख्या रख सकते हैं कि 100 से कम ही उत्तर आना चाहिए, कितना आना चाहिए 100 से कम, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है ये लेस देन, मतलब 100 से कम ही आना चाहिए। 24 में कितने कितने गुणा करें, प्राकृतिक संख्या आपको पता ही है, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 जहाँ तक आप गिन सकते हैं अनंत, तो आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू सिर्फ एक से देख रखना स्टार्ट करेंगे, एक रखेंगे तो 24 ही आएगा, फिर 2 रखेंगे आप, ठीक है फ्रेंड, तो कितना आ जाएगा 24 दूनी 48 आ जाएगा, 24 दूनी 48, फिर आप कितने रखेंगे 24 गुणे 3, तो 24 3 कितना आ जाएगा 72, फिर रखेंगे 24 गुणे 4, 24 गुणे 4 कितना आ जाएगा 24 चौके 96, मतलब हमें कितना करना है यहाँ पर 100 से ऊपर नहीं जाने देना, यानी 100 से नीचे ही रहना है, क्योंकि कथन यही दे रहा है। तो यहाँ पर जो अगर 5 रखा तो आपने 24 पंचे 120 हो जाएगा, तो बहुत ऊपर चलाएगा, तो 1, 2, 3 और 4 ही मान है हमारे, 4 तक ही रख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4। ठीक है भाई, तो एक्स का हल पूछा है, तो एक्स का क्या होगा 4 हल होंगे, कितने होंगे 4 हल, या फिर आप ऐसा करेंगे तो इसे एक्स की यहाँ से निकालेंगे, तो एक्स इज़ ग्रेटर, यहाँ से एक्स इज़ लेसर देन, यहाँ पर ये 100 और बटे में कितने पहुँच जाएंगे 24, तो इस प्रकार से भी आप इसे हल करके लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार का भी आपका हल हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इस वाले का आंसर निकालना है, तो इस वाले को कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पर दिया गया 5, तो 5 का फैक्टोरियल, और नीचे वाले का क्या करेंगे, नीचे वाले 2 लिखा है नीचे, तो 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर इन्हें घटा के लिखते हैं, यानी यहाँ पर कैसे लिखते हैं कि 5 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है फ्रेंड, यानी ऐसे लगाते हैं 2 का फैक्टोरियल आप कर लीजिए आप, 5 का फैक्टोरियल मतलब होता है इसे खोलेंगे तो 5 बार खोलेंगे, 5 का ऐसे खोल देंगे, ऐसे खोलेंगे तो आप खोल लेंगे, मतलब 1 तक खोलना है आपको। ठीक है फ्रेंड, यहाँ नीचे भी खोलना है 1 तक दोनों को, तो इसको खोलेंगे, तो इसको खोलने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 10, आप खोल लीजिएगा तो इसका उत्तर है आपका 10। दूसरे वाले में हमें क्या भरना है रिक्त स्थान में, यहाँ पर 10 भरना है। अगले वाले का क्वेश्चन, तो इसमें अगले वाले में क्या है, यदि समुच्चय ए और बी समान है तो उनमें अवयवों की संख्या भी समान ही होगी, कैसी होगी, समान होगी। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर साइन 15 डिग्री का मान पूछा है, तो साइन 15 डिग्री का मान होता है, आप कैसे निकाल सकते हैं, आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिएगा, मैं लेकिन आपको बता देता हूँ कि आप ऐसे निकाल सकते हैं 45 डिग्री - 30 डिग्री, ऐसा हो जाएगा आपका, तो इसका एक फार्मूला बन जाएगा आपका sin A - B, तो sin A - B का फार्मूला होता है आपका, तो आपको याद होना चाहिए sin A cos B - sin B cos A। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसा फार्मूला होता है आपका, तो आप इसे खोल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो इसका आंसर आएगा आपका √3 - 1/√2। ठीक है फ्रेंड, ये आपका आंसर बन जाएगा इसका, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपका आंसर इसका ऑब्जेक्टिव का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं, तो क्वेश्चन आंसर 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, किस प्रकार से करते हैं तो आप आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहे इनके सोल्यूशन, तो ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से है आपको, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है, ध्रुवीय रूप में आपको जो व्यक्त करना है उसके ऊपर, तो उसका क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से देखिए अच्छे से, अच्छे से लिखना है आपको, नोट डाउन अच्छे से करना है, इसे देख लीजिए अच्छे से, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे,
ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ नहीं दिख रहा है तो आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड। यहाँ पर ये रूट थ्री लिखा है, कितना लिखा है फ्रेंड, रूट थ्री। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से लिखा है ये रूट थ्री हो जाएगा आपका, ये रूट थ्री था यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं नीचे एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, चार। ठीक है फ्रेंड, एक्स स्क्वायर बराबर चार है, तो अगर एक्स बराबर करें मतलब आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर आपका ये आ गया यहाँ पर फ्रेंड, यानी आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर अगर आपका चार आया तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका, टू। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, टू। ठीक है फ्रेंड, आर की वैल्यू टू है। अब टू रख दिए यहाँ पर, मान हमने रख दिए समीकरण, आर का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, पहले में भी रख सकते हैं और दूसरे में भी रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो पहले और दूसरे किसी में भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने रख दिया आपको, यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन से वाले में रखा है, पहले वाले में। तो यहाँ पर आपने टू रखा पहले वाले में, ये टू यहाँ से जाएगा, ये टू लिखा है यहाँ पर, ये टू यहाँ से हट करके यहाँ पहुँच गया बटे में, ये कितने का मान होता है, फाइव बाई थ्री का मान। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर ये पहले चतुर्थांश में से लिए, ये दोनों प्लस के, प्लस के हैं, तो इसका ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सूत्र है आपका, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, ये रहा अगला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। यहीं पर ये आंसर है इसका कंप्लीट, सिद्ध करना था हमें, तो यहाँ पर ये सिद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देख लीजिए अच्छे से, ये रहा, इस प्रकार से करना है, ये सूत्र है इसका, नीचे आप देख सकते हैं तो इसका आंसर कितना आया, 12। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ये लास्ट है छठवां क्वेश्चन, और यहीं पर ये वीडियो अंत होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।